क्या आपका बड़ा हौसला बढ़ाया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर आपको सब झुकाकर सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज जो लाभार्थी भाई बहनों के लिए ये जो हमने सम्मान समारोह आयोजित किया है और इस सम्मान समारोह में आप सब आए हैं, मैं सभी लाभार्थी भाई बहनों का भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति का शासन पहुँचे, सरकार पहुँचे, सरकार की सुविधाएं पहुँचे, योजनाएं पहुँचे, उसके लिए लगातार पिछले 10 सालों में अनेक अनेक कार्य हुए हैं, जिनके बारे में बहुत विस्तार से आदरणीय किशन जी ने बहुत विस्तार से यहाँ से बताया किस प्रकार से योजनाएं पहुंची है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बहुत बातें यहाँ पर बताई हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर उन योजनाओं को लाया गया है जो योजनाएं वास्तव में जरूरत थी, जिसके कारण से लोगों का जीवन आगे बढ़ सकता था। उन योजनाओं को लागू करने का काम, उन योजनाओं को नीतियों में लाने का काम, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित सरकार रही है। चाहे हम किसी भी योजना की बात करें, उनकी योजनाओं में अगर प्राथमिकता किसी को रही है तो गरीब के कल्याण की रही है, गरीब के उत्थान की रही है, गरीब को सहायता पहुंचाने के लिए रही है। हमेशा उसके मूल में रहा है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, ऐसे भाई बहन जो समाज के अंतिम छोर में रहते हैं, जो गरीबी में अपना जीवन यापन करते हैं, उनका जीवन स्तर कैसे उठाया जाए, उनको कैसे सहायता पहुंचाई जाए, उसको मूल में रखकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। क्योंकि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए, उन्होंने गरीबी को दिया है, गरीबी को देखा है, गरीबों को दुख दर्द को सहा है और गरीबों के दुख दर्द को हमेशा उन्होंने अपने सीने से लगाया है, इसीलिए उसको दूर करने के लिए हर संभव प्रयत्न उन्होंने 10 सालों में किए हैं। भाइयों बहनों, आज आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं कह सकता हूं कि इतनी बड़ी संख्या आपकी ये दर्शाती है कि पिछले 10 सालों में गरीब कल्याण के लिए अनेकों काम देश के अंदर हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। आज भारत की सरकार जो भी फैसले लेती है उसकी गूंज पूरी दुनिया में होती है। यही कारण है कि आज भारत भी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, कोरोना महामारी आ गई, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व तो कौशल था। भाइयों बहनों, अनेक योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई है। चाहे हम आज गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें।